कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से 25 साल के तमिल एक्टर का हुआ निधन। दोस्तों, अपनी एक्टिंग और खास अंदाज से फैंस को एंटरटेन करने वाले तमिल एक्टर पवन का निधन हो गया है। पवन के निधन से हर कोई हैरान रह गया। पवन अभी केवल 25 साल के थे। एक्टर ने मुंबई वाले घर में अपनी आखिरी सांसें ली। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त की सुबह उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस ली थी। बता दें कि पवन का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। फिलहाल तो उनकी मौत की खबर सुनके सिनेमा जगत में शोक की लहर आ गई है। आपको बता दें कि पवन कर्नाटक के मांड्या जिले के रहने वाले थे। खबरों के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान लेकर आया जाएगा। बता दें कि उनके अंतिम समय में उनके परिवार वाले उनके पास हैं और उनका अंतिम संस्कार उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। पवन के परिवार वालों को गहरा सदमा लगा है। उन्होंने फिलहाल अभी पवन के निधन पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि अभी पवन के बारे में कोई डीप डिटेल सामने नहीं आई है। बता दें कि पवन काम के सिलसिले में मुंबई आए थे। उनके साथ उनका परिवार भी रहने आया था। पवन तमिल के साथ ही हिंदी भाषा के सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। वो अपने आप को निखारने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें, पवन की मौत से न सिर्फ फिल्म और टीवी इंडस्ट्री बल्कि उनके फैंस और नेताओं में भी शोक की लहर है। पवन का यूं अचानक से चले जाना उनके परिवार को गहरा सदमा दे गया है। उनका परिवार बहुत परेशान है। साथ ही उनके परिवार का कहना है कि बस पवन वापस आ जाए, लेकिन आपको बता दें पवन अब कभी वापस नहीं आ सकते हैं। एक्टर ने कई हिंदी फिल्मों तमिल टेलीविजन सीरीज में काम किया हुआ है और अपनी पहचान बनाई हुई है। जिस तरह से पवन ने सिर्फ 25 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, ये उनके फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाला था, क्योंकि उनके फैंस उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी तरक्की को आगे भी देखना चाहते थे। आपको बता दें, पवन अपनी तरक्की के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए और खुद को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। इसी सिलसिले में वो मुंबई आए थे, लेकिन यहाँ पर अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।